अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तलहा ऑलराउंडर। मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची के इलाके लियाकताबाद तिंडी होटल गोश मार्केट पे। मेरी यहां आने की वजह कुछ खास है, वो वजह क्या है अगर जानना चाहते हैं तो रहे मेरे साथ इस वीडियो में। कराची बहुत बड़ा है, इसी तरह कराची में बहुत बड़ी बड़ी अमेजिंग चीज़ें भी मौजूद हैं। यहाँ पर हम आज मौजूद हैं अकरम बर्गर पॉइंट के पास। यहाँ अकरम पॉइंट पर मिल रहा है अपनी मेयार में एक अलग और मुनफरिद बर्गर, जो कि पूरे कराची में कहीं भी दस्तयाब नहीं है। हम यहाँ आए हैं, आकर देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि अकरम बर्गर पॉइंट पे ऐसा क्या है जो इनका इतनी धूम मची हुई है। सो व्यूवर्स, हम यहाँ अकरम बर्गर पॉइंट पर मौजूद हैं और अकरम भाई जो हैं वो बर्गर बनाने में मसरूफ़ हैं। हम इनसे थोड़ा सा टाइम लेंगे ताकि इनकी एक मुनफरिद बर्गर के बारे में जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकरम भाई, ये बर्गर तो पूरे पाकिस्तान में, पूरे कराची में बिक रहे हैं, बन कबाब भी बिक रहे हैं, एक हिस्ट्रियाँ हैं इन बर्गर बन कबाब की ना, आपके बर्गर में ऐसा क्या खास है? हमारे बर्गर में बीफ में जो है ना, बीफ है हमारा चटपटा सबसे ज़्यादा अच्छा, जो बीफ बर्गर है चपली कबाब वाला बीफ। उसके अलावा बर्गर जो है वो आपके पास वैसे ही मौजूद है, मतलब अंडे वाले बर्गर, सादे बर्गर हैं? सादे बर्गर भी हैं, चिकन बर्गर भी है, बीफ बर्गर भी है, और अंडा गुडाला भी होता है, चिकन का गुडाला भी होता है, बीफ का गुडाला भी होता है हमारे पास। यहाँ की जो स्पेशल चीज़ है वही आपका अंडा बीफ बर्गर है? अंडा बीफ बर्गर सबसे स्पेशल है। बताइएगा अकरम भाई कि आप ये कब से ये बर्गर बना रहे हैं? भाईजान, ये कम से कम 10-12 साल होगा बीफ बर्गर बनाते हुए। 10-12 सालों में आप कहाँ गायब थे? भाई यहीं सामने थे, पहले सामने वाली पट्टी पे थे, फिर यहाँ पे आ गए, भाई यहीं पे थे, सिंधी होटल पे ही थे। ठीक। अकरम भाई, यहाँ पे जो आपके पास बर्गर है उनके प्राइस क्या हैं, आपके टाइमिंग क्या है, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं। सादा बर्गर 100 रुपए का, बीफ बर्गर सादा 140 का, बीफ अंडे वाला 180 का। टाइमिंग हमारी है दोपहर के 2 बजे से सुबह 5 बजे तक, दोपहर के 2 बजे से सुबह 5 बजे तक। मुझे ये बताएं, जो बीफ अंडे वाला बर्गर है इसमें कितने अंडे डाले जाते हैं? डेढ़ अंडा डाला जाता है। एक अंडा पूरा उसके अंदर डालते हैं, आधा अंडा कैप पे लगाते हैं, आधे से ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं डबल अंडे वाला बर्गर। डबल अंडा यहाँ पे बीफ जो बर्गर है उसमें डबल अंडा कवर किया जाता है, एक अंडा बर्गर में होता है और एक अंडे से बर्गर की प्रेजेंटेशन की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्गर जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, अब इनमें चटनियाँ और कवर करके उनको आगे ग्राहक तक, कस्टमर तक पेश किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स का रश है, अकरम भाई मसरूफ़ हैं और अब मसरूफियत की वजह भी है क्योंकि इनका एक अलग जायका है, एक अलग मेयार है, जिस वजह से ये यहाँ पर मसरूफ़ हैं। रश लगा हुआ है ठेले के इर्द गिर्द, आप देख सकते हैं। इस लियाकताबाद सिंडी होटल का मशहूर मुकाम है, यहाँ पर अकरम भाई मौजूद हैं, मेन रोड के ऊपर इनकी दुकान है जहाँ पर ये तमाम चीज़ें जारी हैं। यहाँ पर बैठने का भी इंतज़ाम है, यहाँ पे सेटिंग हुई हुई है अंदर, और इस वक्त फ़िलहाल लाइट गई हुई है, जनरेटर के ऊपर ये सेटअप रन हो रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन और लेडीज़ जो हैं वो भी परचेजर हैं, यहाँ पर आई हुई हैं, बर्गर ख़रीद रही हैं। अकरम भाई रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक अपने काम में मसरूफ़ हैं और यहाँ पर लोगों का एक रश लगा हुआ है जो कि पार्सल भी ले जा रहे हैं और डाइनिंग भी यहाँ पर की जाती है। काम यहाँ पर जारी है अकरम भाई का, और अकरम भाई का काम चलना भी चाहिए क्योंकि ये इस वक्त बर्गर के अंदर एक नया ट्रेंड, नया टेस्ट लेकर आए हैं। सो व्यूवर्स, यहाँ पे कस्टमर जैसा कि आपको पता है मौजूद हैं, एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इस बर्गर के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्त, ये यहाँ से कब से बर्गर ले रहे हैं आप? ये तकरीबन मुझे सर 6 ईयर्स हो गए होंगे। 6 साल से यही बर्गर एक ही जगह है, एक ही जगह से बर्गर ले। ये पहले सामने होते थे उस रोड पर, फिर यहाँ पर आए, मतलब ये एक पॉइंट से बड़े उस पर आए माशाल्लाह से जी। मतलब छोटे से बड़े हो गए यही बर्गर लेते आए, तो ऐसी क्या वजह है, खास वजह है यहाँ से बर्गर लेने की? जायका है पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ साफ़ सफाई है, साफ़ सुथराई होती है, जो मांगो वो चीज़ मिलती है, मतलब की चीज़ यहाँ होती है, मतलब की चीज़ यहाँ होती है, साफ़ सुथराई होते हैं यहाँ पे, मतलब की चीज़ मिलती है, और फिर फैमिली सबसे बेहतर, फैमिली को पसंद है। सही बात, सबसे पहली चीज़ के घर वालों को पसंद है,
पसंद की चीज़ मिलती है, मेयारी चीज़ मिलती है, सफाई सुथराई का ख्याल किया जाता है, ये यहाँ कहना है इन भाई का। ये एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी यहाँ बर्गर लेने से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बर्गर यहीं से लेने की क्या वजह है? यहाँ के बर्गर की क्वालिटी अच्छी होती है और लजीज होता है, जायकेदार बर्गर होता है, खाने में मज़ा आता है यहाँ पर। तो कौन सा बर्गर लेने आए हो? बीफ अंडे वाला। बीफ अंडे वाला जो डबल लेयर के साथ अंडे का होता है जी। तो इसके अलावा और कोई बर्गर ट्राई किए तुमने? हाँ, यहाँ के तो सारे ही बर्गर अच्छे होते हैं, सादा, स्पेशल अंडे वाला, बीफ अंडे वाला, सारे यहाँ के बर्गर मज़े के होते हैं, जो खाता है एक बार 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 आता है। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, जो एक बार खाएगा वो वापस बार बार आएगा। एक भाई हैं, इनसे हम बात करते हैं और इस बर्गर के बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्त, आप ये बर्गर कब से खा रहे हैं? तकरीबन सर मेरे को 10 साल हो गए। ये अकरम भाई पहले सामने रोड पे थे और अब ये इन्होंने यहाँ पर शॉप खोली अपनी, और माशाल्लाह बहुत लाजवाब बर्गर है इनका। हमारे घर वालों को भी पसंद है, हमारे को भी पसंद है, और माशाल्लाह आपको रश देखें, आप रश के पता चल होगा आपको। तो इनके जो प्राइस हैं वो पहले से यही हैं या अभी कुछ प्राइस बढ़ गए? नहीं, महंगाई के हिसाब से प्राइस बढ़े हैं, पहले सस्ते थे ये। माशाल्लाह हमने 60 रुपये का बर्गर खाया इनका। अब जो है महंगाई के हिसाब से तो आपको खुद को बताएगी हर जगह पे कितना महंगा मिला है, महंगाई है हर जगह। सही। मुझे एक बात और बताइएगा, ये जो अंडे वाला जो बर्गर है जो आप खा रहे हैं, इनका बर्गर इतना हैवी है कि अगर दो बर्गर खाने वाला बंदा एक बर्गर खा सकता है, क्या ये सच बात है? हकीकत बात है, इनका ये अंडे वाला जो है डबल लेयर वाला बर्गर हैगा, ये भारी हैगा, हकीकत बात है। और इनका एक चिकन बर्गर, वो बीफ बर्गर भी हैगा डबल लेयर वाला, वो भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन है माशाल्लाह। यहाँ पर भाई मौजूद हैं जो कि बर्गर बनाने में अकरम भाई की हेल्प करते हैं, बर्गर वगैरह कटिंग वगैरह करते हैं, बन वगैरह की। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्त, यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? जी मेरे को 3-4 साल हो गए। अच्छा, तो मुझे बताओ कि ये तो आप लोगों का जो बर्गर है ये और बर्गरों से मुनफरिद क्यों है? क्योंकि बीफ के कबाब जो इनके बड़े होते हैं और माल भरपूर होता है इनमें, इसी वजह से एक बर्गर एक बंदा एक खा ले उसके लिए बहुत होता है ये बर्गर एक। ये बात ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो लोग दो बर्गर खा के पेट भरते हैं वो यहाँ आकर एक बर्गर खाएंगे ना, तो ये बर्गर इतना हैवी है कि वो एक बर्गर खा के अपना पेट भर लेंगे, उसको दूसरे की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, चिकन बर्गर भी दस्याब होता है? जी हाँ, चिकन भी है, दाल वाला भी है और बीफ है, और अंडे सब में डल जाते हैं। अंडे सब में डल जाते, चिकन में भी, बीफ में भी, दाल में भी। बीफ बर्गर, चिकन बर्गर और यहाँ पर सादा जो दाल वाला बर्गर होता है, तमाम रेंज बर्गर की दस्याब है। तो जो आना चाहता है आए, खाएं और इस बर्गर को एक्सप्लोर करें। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि फर्स्ट टाइम इस बर्गर को ट्राई करेंगे, इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ आने का किस तरह इत्तेफाक हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, कौन से इलाके से आए? मैं यहीं पीछे से ही आया हूँ, करीब से ही हूँ, लेकिन मैं तारीफ काफ़ी सुनी थी यहाँ की, तो मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट कुछ खाएं, घर के तो खाने खा ही रहे हैं, तो ट्राई करके देखते हैं। तो अकरम भाई के पास आएँ, देखते हैं इंशाल्लाह। आपने कौन सा बर्गर ऑर्डर किया? अभी फ़िलहाल अभी बैठे ही हैं आगे, अभी देखते हैं इनके पास क्या क्या वैरायटी है, फिर उसके हिसाब से। मैं आपको रेकमेंड करूं, आप इनका बीफ अंडे वाला जो बर्गर है वो ट्राई करें, वो बहुत हैवी है, जूसी है और बहुत ज़्यादा तीखा है, मतलब थोड़ा स्पाइसी भी है, क्योंकि उसमें गोला कबाब है जो कि पूरे कराची में कहीं नहीं है। तो आप उसको एक्सप्लोर करें, चेक करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बाकी अगर आपका कोई और इंटरेस्ट है चिकन में या दाल वाले बर्गर में तो आप वो ले सकते हैं। ये देख लेते हैं जो आप कह रहे हैं, ये ट्राई करके देख लेते हैं इंशाल्लाह। आप ये करें, मैं भी ये ट्राई करूँगा, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सो व्यूवर्स, इस वक्त बीफ अंडे वाला बर्गर हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, जो कि बड़ा ही शहनशाह लग रहा है। अकरम भाई ने इसको जो प्रेजेंटेशन दी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडे को ज़बरदस्त तरीके से कवर किया है बन के ऊपर, और अंडा जो है वो बन के ऊपर कवर है, उसके अंदर एक और अंडे की लेयर है, देन ये कोल्सलो इसके ऊपर मौजूद है, और बीफ का जो गोला कबाब होता है, जो हम गोला कबाब खाते हैं, वो इसमें इजाफी ऐड है। बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर ये मंदर पेश हो रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये बीफ है, ये वही गोला कबाब है जो हम बारबेक्यू वगैरह में जो खाते हैं, ये बीफ का इधर मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसकी दूसरी लेयर भी मैं हटाऊँ तो ये बहुत ही हैवी ज़बरदस्त बर्गर हमारे सामने मौजूद है। कोल्सलो, कैचअप और बहुत ज़बरदस्त, मतलब ये इस वक्त अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं इसको खाता हूँ, खा के आपको बताता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ओहो, अंडा ही अंडा, ये देखें। अच्छा, और इसकी एक ख़ास बात ये है कि इस बर्गर में ना दो अंडे डले हुए हैं,
ये कम से कम दो अंडे हैं, एक अंडे का काम नहीं है, दो अंडे, ये देखें आप। तो मैं इसको खाता हूँ और खा के बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, वाह यार, वाह भाई। बन कबाब, बर्गर, अंडे वाले बर्गर और दीगर बीफ बर्गर वगैरह बहुत मैंने खाए हैं, सब नहीं खाए होंगे, लेकिन भाई ये बर्गर आके ट्राई करें, ये एक अपनी मिसाल आप है। बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत मज़े का हो रहा है। चटनी चेक करता हूँ। वाह 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 वाह, चटनी अलग से चेक करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, ये गार्लिक केचप है, केचप गार्लिक है इसके साथ, चटनी मतलब ये रायता है और इसमें वही हरा मसाला वगैरह डाला हुआ है, तो वीआईपी हो रहा है भाई। बहुत ज़बरदस्त बर्गर है, बहुत मुनासिब दाम है। दो बर्गर खा के, तीन बर्गर खा के पेट भरने से अच्छा है कि एक बर्गर खाएं और अपना पेट भरें और इन्जॉय करें। सो व्यूवर्स, हम यहाँ मौजूद थे लियाकताबाद सिंधी होटल अकरम बर्गर पॉइंट के ऊपर। हमने यहाँ पर बर्गर टेस्ट किया, बर्गर खाया, बर्गर आपको मैंने रिव्यू में बताया कि बर्गर की क्या क्लास थी, और वाकई ये बर्गर पूरे कराची में अपनी मिसाल आप है। बर्गर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बर्गर को पास करता हूँ और अपनी तरफ से क्लियर करता हूँ और रेकमेंड करता हूँ कि जो बर्गर लवर हैं वो बर्गर को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आएँ और यहाँ आके इस टेस्ट को एक्सप्लोर करें। उम्मीद करता हूँ कि हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी हिट करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में मज़ीद आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।